शक्ति होती है कि हम जिन प्रबल विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं वे अंततः साकार हो जाते हैं और उन्हीं से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर भी अच्छी होगी, और अगर विचार बुरे हैं तो तकदीर भी बुरी होगी। इस अटल सत्य को हमेशा हमेशा के लिए पहचान लें कि जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी तकदीर होगी, वैसा ही आपका जीवन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, तो क्या ये 60,000 विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं? नहीं, हमारी तकदीर बनाने में सबसे ज्यादा योगदान उस विचार का होता है जो हमारे दिमाग में मौजूद सबसे प्रबल और स्थायी विचार होता है। अपने दिमाग की शक्ति को कम ना आंकें। यह इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसकी बदौलत मनुष्य ने इतने सारे वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए हैं जो कल्पना से परे लगते थे। विचारों में शक्ति होती है, और इस शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन कैसे? तो यही सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर आप भी अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो पहले आप कभी थे ही नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वन, जैसे विचार वैसा चरित्र। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक पौधा उगने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? मिट्टी, पानी तो बाद में आएगा, सबसे पहले कोई चीज जरूरी है तो वो है बीज। बीज से पौधा उगता है, बिना बीज के कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह विचार वह मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता और कर्म का फूल नहीं खिल सकता और सुख या दुख का फल नहीं मिल सकता। देखिए, जब तक बीज नहीं होगा तब तक पौधा नहीं उग सकता, इसलिए विचार पहले आता है, काम उसके बाद होता है। सरल भाषा में समझें तो आपके मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं। यानी विचार बीज है और काम उस बीज से उत्पन्न हुआ पौधा है, और कर्म के इस पौधे से जो फल उत्पन्न होते हैं वे हैं सुख और दुख। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इंसान ही खुद को बनाता है, इंसान ही खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वह ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ति और शांति के महल बना सकते हैं।